हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मैं लखनऊ के पास से बोल रहा हूँ। सर मैंने YouTube पे देखा था हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के बारे में, तो वही मुझे जानकारी चाहिए थी। मैंने देखा कि काफी ये कैसे डालते हैं। हाँ तो सर उसमें काफी पेशेंट को देखा जो काफी ठीक होते हैं, तो मुझे स्किन से संबंधित था विटिलिगो, तो उसमें क्या ये चीजें है? उसमें एक दो वीडियो भी पड़ा हुआ है विटिलिगो। हाँ विटिलिगो। देखिए मैं आपको बताऊं, विटिलिगो का थोड़ा सा डाउट है कि होता है कि नहीं होता। उसमें देवाजे पेशेंट जो थोड़े दिन टच में था, उसका जो फर्स्ट 7 डेज का फीडबैक था, एक मिनट नीचे पड़ा है ना, उसको थोड़ा सा दूर कर लो। तो उसका फीडबैक ये था कि उसको कुछ आराम मिला था, एंड देन इन फर्स्ट 15-20 डेज ही वाज सेइंग कि मतलब उसको ये फील हो रहा है कि 2 महीने में तक खत्म हो जाएगा पूरा, इतनी तेजी से फर्क पड़ा था। बहुत अच्छा सर। हाँ बट सब्सिक्वेंटली उन्होंने अपना सिस्टम कुछ चालू कर दिया था, फिर उन्होंने कुछ आयुर्वेद वगैरह देखा और फिर उसको दोनों मिक्स मैच कर दिया और फिर ही वॉज इन आउट ऑफ टच। तो मुझे फाइनली मालूम नहीं है। फिर उसके बाद किसी और ने ट्राई किया था, लड़की ने, उस लड़की का भी फर्क नहीं पड़ा था, उसका फर्क नहीं पड़ा था, बट उसका प्रॉब्लम यह था कि जैसे उसका पहले पानी का इंटेक वॉज अबाउट 4-5 लीटर्स। तो वो कम किया, तो हमारा इसमें यह रहता है कि आपको कम करने के बबाद हफ्ते में एक दिन बढ़ाना होता है। ओके। 3-4 लीटर पर जाना होता है, तो उसका ये वो होता था कि भाई मतलब उसको आदत पड़ गई कम पीने की, वो ज्यादा कर ही नहीं पा रही। ओके ओके। तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाया। हाँ उस केस में नहीं हो पाया, पर फिर भी जो इम्प्रॉपर भी फॉलो होता है ना, तो उसमें भी कुछ फीडबैक मिल जाता है। तो आई वॉन्ट से जब तक किसी का 100% ठीक नहीं हुआ हो कि भाई ठीक हो जाता है, बट देर इज ए होप। और उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं ना, दूसरी चीजों में तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। ओके ओके। तो नुकसान तो होता नहीं इससे। तो अगर जैसे पेट का या नींद का या थोड़े से और स्टेमिना वगैरह थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो उस एंगल से देखा जाए तो ठीक है। सर एक लाइपोमा की भी शिकायत थी साथ में, तो क्या ऐसे लाइपोमा जो गांठे बन जाता है शरीर में, लाइपोमा? हाँ। तो वही उसका भी एक आधा पेशेंट था, उन्होंने भी पूरा किया नहीं था उसको। अच्छा। एक्चुअली यही बात है कि जो लोग करे तो पूरा फॉलो तो करना ही चाहिए, जो जितने दिन का होता ये है कि अगर मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 3-4 लोग होते हैं जो सीरियसली करते हैं, बाकी सीरियस होते नहीं है। तो बाकी चीजों में क्या है कि नंबर ऑफ पेशेंट वाज ह्यूज, वो हजारों में थे, तो उन्होंने हजारों में से अगर 50-100 ने कर लिया तो उसको समझ में आ गया। अभी जैसे एसिडिटी का होता है, एसिडिटी का आई वुड से 100% होता है, बट उसमें भी बहुत से लोग होते हैं। जैसे मेरे से किसी ने फोन नंबर मांगे कि वो उसे फीडबैक लेना चाहता है, तो किसी ने फीडबैक लिया, उन्होंने कहा मैंने हफ्ता 10 दिन किया था, 15 दिन तो मुझे आराम मिला था, पर फिर मुझे करना मुश्किल लगा। ओके। जबकि करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। हाँ, चलना सोना और चलना था, मैंने देखा यूट्यूब पे, सोना चलना चलना के अलावा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल में भी ऐसा नहीं होता कि अगर 3 गिलास लिखा तो आप 3 के 4 नहीं पी सकते या 5 नहीं पी सकते। थोड़ा सा वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना धूप है, उसके हिसाब से 1-2 गिलास का ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका हार्ड एंड फास्ट नहीं, तो ओनली थिंग इज कि आपको पानी का डे टू डे जो पानी पीते हैं उसमें वेरिएशन लेकर आना है। अगर आप एक दिन 4 लीटर पी रहे हैं, दूसरे दिन 2 लीटर पी रहे हैं, कभी 2 पी रहे हैं तो 1 पी रहे हैं, तो ऐसे। सर हम कुछ दिन तक देख सकते हैं क्या करके कि जिसे? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे नहीं होता है कि जैसे कोई चीज करो तो आपको पता चलता है, तो फिर आप और भी सीरियस होके करने लगते हो, तो इस 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह महीने भर करने से पता चल जाता है ये सब चीजें? हाँ बेसिकली मैं एक चीज तो बता ही रहा हूँ ना कि इससे किसी का नुकसान नहीं होता है। इससे क्या है कि आपको और कुछ नहीं होगा तो कम से कम बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, सभी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो नुकसान तो कुछ ही नहीं। सर अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या लिया जा सकता है क्या? बस यही सी देखिए, मेडिसिन का जहां तक मैंने देखा है, मेडिसिन सारा उल्टा काम करती है। अगर आप एसिडिटी की बात करें तो वो एसिडिटी का मेन कारण होता है एसिड कम होना, वो एसिड को और कम करने का काम करते हैं, तो वो कभी ठीक नहीं होता। तो कुछ तो लेकिन सर आयुर्वेदिक चीजें ले रहे थे जैसे विटिलिगो में? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए आप आयुर्वेद और जो एलोपैथी होता है उसमें पैकिंग का फर्क होता है, उसको एक डिफरेंटली बोलते हैं। देखिए नोबडी एक्सप्लेन्स हाउ विल इट वर्क। ओके। आपकी मेडिसिन क्या कर रही है, ठीक है, पर मेरा मानना यह है कि आप चाहे आयुर्वेद लो या कुछ भी लो, आयुर्वेद के जो होते हैं, मैंने जैसे कुछ एक्सपर्ट्स है उनसे बात हुआ कि आप ये बताओ कि आयुर्वेद में और एलोपैथी में डिफरेंस क्या है।
तो बोलते हैं जी आयुर्वेद 5000 साल पुराना है. मैंने कहा दिस इज नॉट वो जो एक होता है प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू, उस पॉइंट व्यू से 5000 हो या 10000 हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है. हमें तो मतलब है कि वो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, हाउ डज इट वर्क, अप्रोच में क्या डिफरेंस है उसका, डायग्नोसिस में फर्क है या उसके मेडिसिन में क्या, अप्रोच में क्या डिफरेंस है, कैसे आप करते हैं. तो बेसिकली जो अप्रोच में डिफरेंस है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी फल ले लीजिए या सब्जी ले लीजिए, मान लीजिए मूली ले लिया, हाँ उसको डायरेक्ट रूप में ही खा रहे हैं ये. नहीं डायरेक्ट रूप में भी नहीं खा रहे, उसमें मान लीजिए 15 मिनरल्स हैं, 10 विटामिन है, 25 हो गए. ओके ओके. तो वो जो भी उसका मेडिसिन होगा उसमें वो सारी चीजें होंगी. हाँ. और जब एलोपैथी में आएंगे तो एलोपैथी पीपल विल स्टडी कि इनमें से इफेक्टिव कौन सा है इस कंडीशन में. मान लीजिए दो चीजें इफेक्टिव है वो दो ही चीजें देंगे, बाकी चीजें नहीं देंगे. तो जैसे कि बॉडी के लिए उसको एसिमिलेट करना बेटर होता है अगर वो नेचुरल फॉर्म में, अगर 25 की 25 इकट्ठा दे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर दो अलग से दें तो नहीं करती. जबकि फैक्ट ये है कि दोनों में से कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होती. अगर आपकी जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए किसी को कैल्शियम की शॉर्टेज है ब्लड में, तो ब्लड होता है 4-5 लीटर. 5 लीटर के अंदर कैल्शियम का शॉर्टेज का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 0.5 ग्राम 1 ग्राम का फर्क है. तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको एक दिन में 3-4 ग्राम कैल्शियम दे दें तो उसकी जो शॉर्टेज है वो एक दिन में पूरी हो जानी चाहिए. तो वो लाइफ लॉन्ग देते रहते हैं, सालों साल देते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता. ये तो है, तो मैंने देखा है. हाँ, तो उसका मतलब यही होता है कि बॉडी का एक सिस्टम है कि आपका जो जैसे सब्जी बनाते ना, तो अगर आपने सब्जी में मिर्च डाल दी, नमक नहीं डाला, तो आपको मिर्च का टेस्ट नहीं आएगा. जब नमक डालोगे तब पता चलेगा मिर्च कितनी है, नहीं तो आप अगर ज्यादा भी मिर्च डाल दोगे तो भी मिर्च का टेस्ट का पता नहीं चलेगा सब्जी में. तो नमक डालने के बाद वो एनहांस होता है. इसी तरीके से हर चीज का प्रोपोर्शन है. आपका कैल्शियम तभी एक्सेप्ट होगा अगर बाकी के सारे पैरामीटर्स उसको सजेस्ट करते हैं बॉडी को एडजस्ट कर, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए. अगर आपकी बॉडी में वेरिएबल्स मान लो 1000 वेरिएबल्स हैं, वो 1000 वेरिएबल सारे नेगेटिव हुए हैं और उस नेगेटिव की वजह से बॉडी इज सेइंग कि इसको कैल्शियम को एक्सेप्ट नहीं करना, अदरवाइज नुकसान होगा. तो नहीं होगा, आप उसको लेके कुछ भी नहीं कर सकते. इसलिए सप्लीमेंट्स और ये जो भी चीजें होती है, इतने सप्लीमेंट्स आ गए दुनिया में, इतना कुछ हो गया, पर अगर आप हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है. तो उसका बेसिक रीजन ये है. अब हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपके जो बेसिक ऑर्गन है दो बॉडी के, किडनी और लीवर, वो दोनों हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर काम करते हैं कि आपने एक दिन पानी पिया तो जितने भी चीजें आपकी ज्यादा है वो आपकी डाइल्यूट हो गई. नेक्स्ट डे आपने पानी बंद किया या मिनिमाइज कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो जितनी भी चीजें आपकी शॉर्टेज में थी वो हाई हो गई. अब ये जो बॉडी एडजस्ट करती है वो इस बेसिस पर नहीं करती कि आपका जैसे बॉडी में सोडियम ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होगा कि सोडियम को एक्सक्रीट कर दिया. वो जो होता है ना पैरामीटर होता है कि भाई आपकी बॉडी में क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा है, उसके बाद आपका सारी चीज की सेटिंग एक साथ होती है. बॉडी हमेशा देखेगी, मान लीजिए आपके 50 पैरामीटर्स हैं, उस 50 को जैसे किडनी काम कर रही है, फिल्टर कर रही है, किडनी को यूरिन निकालना बनाना है, तो वो 200 बनाना है या 250 बनाना है या 100 बनाना है, वो उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है कि इन द गिवन सिचुएशन कि आपका जो मिनरल्स हैं उनका ये कंडीशन है, उस कंडीशन में मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको कितना यूरिन बनाना है. वो हर मिनरल के लिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं होती, अलग अलग चैनल नहीं होते, वो इकट्ठा एक ही चैनल होता है. तो इसलिए क्या होता है कि जब आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो पॉइंट होता है ना, जो आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो शिफ्ट होकर ऊपर हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में आपके जो भी जितनी चीजें एक्सेस में है वो डाइल्यूट हो गई और वो यूरिन के रस्ते थोड़ा सा निकल जाएंगी. नेक्स्ट डे पानी बंद किया तो जितना चीजें कम है वो ज्यादा हो जाएगी, तो यू विल हैव ए हायर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. जो एडजस्टमेंट का थ्रेशोल्ड होता है वो थोड़ा सा हायर हो जाता है, वो हायर होने से बस ठीक हो जाता है बंदा. और उसको अगर रिपीट करते हैं हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक एक बार रिपीट करते रहते हैं, तो अभी थोड़ा सा 5% हाई हुआ, फिर 5% और हाई हो जाएगा, तो वो इतना हाई हो जाता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स होती है मेन वो खत्म हो जाती है. सर स्किन में बताते क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं इसमें? सर सेम चीज कर सकते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर कि आपको यूजली उसमें करना क्या है कि एक दिन जैसे 3 गिलास पानी पियो खाने के साथ साथ, और दूसरे दिन आप पानी पियो 6 गिलास खाने से, एक घंटा पहले 1 गिलास और खाने के साथ 1 गिलास. हाँ हाँ हाँ.
तो इसको तीन छह करके चला लीजिए, पांचवें दिन तीन क्लास लीजिए, छठे दिन आप एक एक घंटे में एक एक क्लास पानी लेते रहे तो आपके हाइट के हिसाब, आपकी हाइट कितनी है? साढ़े पांच, साढ़े पांच में तीन लीटर पानी पी लीजिए आप, एक एक ग्लास ढाई ढाई सौ ml का लेंगे ना, बारह तेरह ग्लास हो जाएंगे दिन में, तो आपका तीन लीटर हो गया, तीन सवा तीन लीटर। तो उसके नेक्स्ट डे आप पानी को मिनिमाइज कर दीजिए, तीन ग्लास से भी कम कर दीजिए, हो सके तो बिल्कुल जीरो कर दीजिए। ओके, फिर इसको रिपीट कर लीजिए। पहली बार तो आप उसको पहली या दो हफ्ते तक तो उसको सातवें दिन जीरो कर दीजिए, और दूसरा वॉक एंड रेस्ट करिए कि आप दिन में पंद्रह बार कम से कम पांच पांच मिनट के लिए चल रहे हैं, घंटे घंटे के बाद चल रहे हैं, या कभी टाइम नहीं होता है जैसे ऑफिस वगैरह का कोई और बिजनेस से रिलेटेड कमिटमेंट है तो सुबह उठ के एक घंटा वॉक एंड रेस्ट कर लें कंटिन्यूअस, रात को एक घंटा कर लें और दिन में जब कभी टाइम मिले पांच मिनट चल रहे हैं। इन दोनों का पर्पज एक ही होता है, इसका एक तो कनेक्शन होता है सीधा सीधा एनर्जी लेवल से कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये जो आपका इम्बेलेंसेस शुरू होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, सबसे पहला कारण ये होता है कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स को ऑप्टिमली ठीक से काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलती, तो कभी किसी ऑर्गन की कुछ शॉर्टेज होगी, कभी किसकी होगी, तो वहां से फंक्शनिंग में और गड़बड़ होती है, और उसके बाद वो जो मिनरल इम्बेलेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए वो धीरे धीरे करके ट्रिगर होने लगता है और इम्बेलेंसेज बॉडी में बनने लगते हैं, तो उन इम्बेलेंसेज की वजह से मेटाबॉलिक रेट गिरने लगता है। तो दोनों चीजों का, एक तो बैलेंस बनाना, क्योंकि बैलेंस इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, और दूसरी तरफ से मेटाबॉलिक रेट आर्टिफिशियली बढ़ाना कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गेन्स है उनको काम करने के लिए, आपकी बॉडी में मान लीजिए 2000 कैलोरी बनती है, उस 2000 का आप कितना प्रोपोर्शन वाइटल ऑर्गेन्स को देते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं वॉक एंड रेस्ट में। तो सर इस तरीके से, एक तरीके से इम्यूनिटी अपनी बढ़ाना शरीर की, और या सेल्स की बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, बेसिकली इम्यूनिटी तो बढ़ती है। हाँ, इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कितना इफेक्टिव है, आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी ऑर्गेन्स में किसी टिश्यूज में नहीं हो रहा तो वो टिश्यूज डेड होने लगते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म होने लगती है। विटिलिगो में आपकी स्किन जो होती है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो डिलीवर नहीं होते, तो जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी वो ठीक होता रहेगा। सही सही बात है। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है क्योंकि खाने के साथ पानी पीने में वो होता है, क्या बोलते हैं, खाने के साथ पानी पीने से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसे मतलब जैसे जिनका सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू होता है, तो कई लोगों को एक एक चौबीस चौबीस घंटे में एक एक दो दो दिन में उसमें भी फर्क पड़ता है, तो पढ़ना तो चाहिए, विटिलिगो में भी पढ़ना चाहिए, दो महीने में कवर अप हो जाना चाहिए अगर उसको उतना एग्रेसिवली और सीरियसली किया जाए। सर वो वैसे पंद्रह दिन के बाद तो कुछ तो पता चलेगा ही, ये स्टॉप है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ तो सर, और कुछ ना भी पता चले कम से कम ये तो पता चलेगा आपका स्टेमिना कितना बढ़ रहा है। यस, तो अगर स्टेमिना बढ़ा, कोई पॉजिटिव दो चीजें हुई तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल फर्क तो पड़ेगा ही, और ना भी पड़े तो आपकी चार चीजें ठीक हो रही है, ये ना भी हो तो कम से वो चार तो ठीक हो रही है। सही सही सर, इसको फॉलोअप करने के लिए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा क्या पूरी? हाँ, मैं कर देता हूँ। चैट चाहिए? नहीं सर, ये चार्ट, ये जो, हाँ ये मैं अभी भेज रहा हूँ, कैसे खाना है, कैसे फर्स्ट डे सेकंड, हाँ इसमें भी ना, इसमें हमारा एक दो दिन का प्रोग्राम है कि दिन में, दो दिन का नहीं, दो मील्स पर डे का है, एक तीन मील्स पर डे का है, तो हफ्ते में चार पांच दिन थ्री मील्स पर डे कर लीजिए और एक दो दिन, दो तीन दिन के लिए आप टू मील्स पर डे कर ले, उसको भी मिक्स मैच करते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी बेसिक होगा ना जो भेजेंगे? मैं आपको दोनों, नहीं जो मैं दो मील का अलग भेजूंगा, तीन मील का अलग भेजूंगा। ओके ओके, तो आप दोनों को अपने हिसाब से जब कभी दिल करे, चाहे एक वीक वो करें, एक वीक वो करें, या एक हफ्ते में दो दिन वो कर लें, पांच दिन वो करें, जैसे मर्जी मिक्स मैच कर ले, जैसे डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहता है। बट उसमें जो टू मील्स पर डे का था ना, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम था। नहीं सर, हम थ्री मील खाते हैं, पर डे थ्री मील करते हैं। मैं दोनों भेजता हूँ, पर मैं ये कह रहा था कि टू मील्स पर डे का जो इम्पैक्ट था ना ब्लड सर्कुलेशन में, दूसरी चीजों में, वो बहुत ज्यादा था। ओके ओके, उसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। अब ये सोच लीजिए, जो हमें साल भर लग रहा था कि आधा इम्प्रूवमेंट हो गया, आधा रह रहा था, तो दो मील्स पर डे में जाते बहुत तेजी से हो जाता है। ओके ओके, तो फिर सही है सर, जो इफेक्टिव है उसको करना चाहिए, पर उसके भी प्लस माइनस होते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। कभी कभी दो मील्स करिए, कभी तीन मील्स करिए, हर चीज का वो प्लस माइनस होता है ना, बैलेंस करना होता है हर चीज को। ओके ओके ओके, ठीक है सर, भेजिए सर, देखते हैं, कोई डाउट होगा तो सर करूंगा फोन। श्योर श्योर, ओके सर।